অসমত থকা ভোজপুরীসকলৰ সুৰক্ষা সুনিশ্চিত কৰাৰ দাবীত বুধবাৰে গুৱাহাটীত ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীৰ ৰূপায়ণ কৰা হয়। অসমত নিৰীহ মানুহৰ হত্যা অপহৰণ বন্ধ কৰা, উগ্ৰপন্থীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা আৰু ভোজপুৰী উন্নয়ন পৰিষদ গঠন কৰাৰ দাবীত সদৌ অসম ভোজপুৰী পৰিষদে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণ আৰু চৰকাৰৰ অমনোযোগিতাৰ বলি হোৱা কাৰ্বি আংলঙৰ এগৰাকী ভুক্তভোগী মহিলাই নিজৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি কয়, सरकार से हमने की का नाम बा हमने के हिंदी भाषी कितना मारा गया, हमने के हिंदी भाषी खातिर कुछ सरकार करत नहीं है, सरकार कहाँ हमने के सुनाई नहीं कर, हमने के काहे इतना हमने के ऊपर नतीजा बीतता, सरकार के ऊपर कुछ ध्यान देवे के चाहिए, सरकार के कुछ हमने के यहाँ बाद में तो यहाँ हमने के जिए खाए खातिर कुछ तो हमने के सहायता लगा ना, तो सरकार हमने के सहायता नहीं, हमने कैसे जिए खाए जाए, हमने के इतना मरब जब मोटे जाए तो कैसे हमने के जिए खाए जाए, हमने के ऊपर इतना अत्याचार बा, कितने लोग कितने बाल बच्चा मर गए ना हमने के कार्बि आलंग में, हमने के कार्बि आलंग में तो और आफत बा। भोजपुरी लोकसभा दाबीर प्रति सरकार और अवहेला समालोचना कर सरकार उग्रपंथी सरकार बुली अभिहित कर भोजपुरी परिषद सभापति परशुराम दुबे कय, लास्ट 10 बच्चर से असम सरकार को असम में रह रहे लोगों की सुरक्षा की मांग हम करते आ रहे हैं। अक्सर हमारे असम में रहने वाले हिंदी भाषियों को उग्रपंथी टारगेट करते हैं, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री, हम होम सेक्रेटरी, डीजीपी सभी को हमने मेमोरेंडम सबमिट करके हमारी सुरक्षा की मांग करते आ रहे हैं, किंतु दुर्भाग्य की बात है कि असम सरकार ये राइजर प्रदलित राइजर सरकार जो आह्वान माननीय मुख्यमंत्री करते हैं ये पूरी तरह नकारात्मक चीज़ है, ये सरकार उग्रपंथियों की सरकार है। आज आप देखिए असम में रह रहे कितने लोगों की ये उग्रपंथी हत्या किए, आज एनडीएफ भी एक उग्रवादी दल था, गोविंद बसुमतारी जब सीज फायर किए तो असम की जनता सोचा कि इसके बाद एनडीएफ भी का सफाया हो गया, इनको क्या क्या लाभ देना है देकर अब असम में शांति आएगा, किंतु हमने कुछ दिन बाद देखा कि एक रंजन दईमारी गुट का एक नेतृत्व तो लेकर फिर असम में कितने हत्या लीला इन्होंने किया, गुवाहाटी में बम ब्लास्ट करके छोटे छोटे बच्चे महिला पुरुष कितने लोगों की हत्या की, फिर भी असम सरकार रंजन दईमारी को हमारी सबसे बड़ी सम्मान असमिया फुलाम गमछा से इसको सम्मानित किया, फिर भी असम की जनता हम दुख करके भी अपने सीने पर पत्थर रखकर हमने ये सोचा कि इसके बाद भी शांति आएगी, किंतु कुछ महीने बाद हमने देखा कि यही उग्रपंथी दल फिर संगठित गुट के नेतृत्व में फिर असम में अपहरण हत्याकांड चालू किया। हम आज धरना देकर तरुण गोगोई सरकार से पूछना चाहते हैं और कितने नेतृत्व ये एनडीएफबी के नेतृत्व केडर पैदा होंगे, कब तक ये इनका आंदोलन और हत्या चलता रहेगा ये आप असम सरकार को बताइए, ये संगठित गुट को जो 70 केडर है इसको 70,000 पुलिस फोर्स क्यों दमन नहीं कर पा रही है, क्या असम सरकार का संगठित गुट के साथ कोई सांठगांठ है ये जनता को बताना चाहिए। आप हिंदी भाषियों को सिर्फ उग्रवादी नहीं, जिस सरकार को हिंदी भाषी को सुरक्षा देना चाहिए ये सरकार हमारे लोग की हत्या कर रही है। गत 2 जनवरी को डिब्रूगढ़ जिला के नाहरकटिया अंचल में 40 वर्षों से अधिक समय से खेती करके निर्वाह जीवन निर्वाह करने वाले हमारे एक कृषक श्री राम साह को पुलिस दल ने उच्छेद अभियान के नाम में उसको गोली चलाकर निर्मम हत्या कर दी। हमने मुख्यमंत्री को अनुरोध किया कि इस हत्या का आप इंक्वायरी कराकर दोषियों के विरुद्ध कठोर शास्ति कीजिए, किंतु मुख्यमंत्री ने इस पर भी कोई कार्यवाही नहीं किया, अतः आज हम सारे असम से भोजपुरी पुरुष महिला सब एकत्रित होकर हमारा 3-4 जो डिमांड है, असम में निरीह लोगों की हत्या बंद होनी चाहिए, उग्रपंथी के विरुद्ध कठोर पदक्षेप ग्रहण करना चाहिए, नाहरकटिया में जो हत्याकांड हुआ इसका सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए, आज 3 लाख 4 लाख असम में जो जनजाति है उसके लिए भोजपुरी डेवलपमेंट काउंसिल गठन किया गया है, किंतु आज हम 20 लाख जनसंख्या है हमारे लिए भोजपुरी डेवलपमेंट काउंसिल गठन करना होगा। 7 दिन के अंदर में माननीय मुख्यमंत्री के तरफ से कोई सकारात्मक कदम नहीं उठेगा तो मुख्यमंत्री महोदय को बताना चाहेंगे, जो भोजपुरी लोग असम में रच बस कर बड़े बड़े बिल्डिंग बना सकते हैं,
बड़े बड़े ब्रिक फैक्ट्री में काम कर सकते हैं, बड़े बड़े बाबियों का जूता पॉलिश करके आसाम के विकास में योगदान कर सकते हैं। ये भोजपुरी लोगों का आक्रामक रूप आपको देखना होगा। इसके बाद का कार्य जो सूची हमारा होगा, मुख्यमंत्री आवास हम घेराव करेंगे, हम रेल पथ अवरोध करेंगे, हम नेशनल हाईवे ब्लॉक करेंगे। और सरकार से एक आह्वान करना चाहेंगे, अगर सरकार 70,000 पुलिस फोर्स लेकर अगर 3 करोड़ जनता की अगर सुरक्षा नहीं दे पाती है, तो जहां जहां सुरक्षा नहीं दे पाती है उस अंचल में एक दिन का ट्रेनिंग देकर लोगों के हाथ में सरकार खुद हथियार दे, हम उग्रवादियों से लड़ेंगे। ये क्या है एनडीएफबी, इनको खात्मा हम करेंगे। অসমৰ বুদ্ধিজীৱী আৰু সংবাদ মাধ্যমক সমালোচনা কৰি তেওঁ কয়, মই টিভি মিডিয়া মে দেখা হু জব এক উগ্রপন্থী মরতা হে তো হামারে বুদ্ধিজীৱী মানৱ অধিকার কা বাত কৰতে হে। কল হামারে অসম কা এক হোনহার এডিশনাল এসপি মারা গয়া, ইমানদার পুলিশ অফিসার তা কহা হে ও বুদ্ধিজীৱী কিউ নহি আওয়াজ উঠাতে হে, কহা হে অসম কা মিডিয়া কিউ নহি ইসকে লিয়ে ইয়ে क्या वार्ता क्या कार्यक्रम चलाते हैं, क्यों नहीं आवाजन करते हैं। यहाँ पर उग्रवादियों के फेवर में मैं देखता हूँ सारे लोग, अधिक से अधिक जिसको हम नेता मानते हैं, चाहे वो मंत्री हो, विधायक हो, ये हिंदी भाषी हो, बांग्ला भाषी हो, असमिया भाषी हो, इनको जनता से मतलब नहीं है। उग्रवादी मार रहा है, किसको मार रहा है ये देखो, हमको तो नहीं मार रहा है। ये मंत्री अगर खुद जाकर उस घर में देखते तब इनको पता चलता, जिस घर का एक लड़का, जिस घर का एक पति मरता है उस घर में क्या अवस्था होता है, तब इनको पता चलता। अब ये आंदोलन सारी जनता खुद लड़ेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुशांत दास, अमरदीप गोगोई, सेंटिनल न्यूज़, गुवाहाटी।